मुनाफा करेंगे किसानों को बोल के। जो मरे हुए किसान जो तकलीफ से मरे वो किसानों को परिहार नहीं दिए। 86% कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में किसान आत्महत्या के लिए से के घर वालों को जो मुआवजा देते सरकार की तरफ से वो नहीं मिला। कुल मिला की 80 से ज्यादा अर्जी है वो विलेवारी नहीं करे बगैर यहाँ पे रख ले को बैठे से तालाब के अंदर वो मट्टी निकालने का काम करे। वो जो तालाब के मट्टी निकाले उनके खिलाफ DC मैडम सख्त कानून क्रमा इंक्वायरी करना बोल के हमारा आग्रह है। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open, contact for details. आज हम यहाँ पे कर्नाटका स्टेट किसान और लेबर यूनियन के तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा दो प्रमुख विषय के बारे में यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला किसानों का आत्महत्या के बारे में। गए दौर जो BJP गवर्नमेंट थी 2021 और 24 के बीच में वो टाइम पे 86% कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में किसान आत्महत्या के लिए से उसके अंदर 40% को अभी पेमेंट नहीं मिला। उनके घर वालों को जो मुआवजा देते सरकार की तरफ से वो नहीं मिला। और जो आकस्मिक आत्महत्या होता है जो रैत मर जाता है कुछ प्रकृति विकोप से वैसे 15 लोग हैं उनको कुटुंब फैमिली को अभी तक पैसा नहीं मिला। उसके बाद जो किसानों का भणवी रहता जो उनका भणवी बोले तो जो कड़ी भी उसको आग लगे सो वैसे 55 मेंबर लगे सो है उसके अंदर 23 लोगों को अभी परिहार नहीं मिला। कुल मिला के 80 से ज़्यादा अर्जी है वो विलेवारी नहीं करे बगैर यहाँ पे रख ले को बैठे से। पीछे सरकार जो थी BJP सरकार उन्होंने बोले थे डबल हम सरकार को दुगना मुनाफा करेंगे किसानों को बोल के। जो मरे हुए किसान जो तकलीफ से मरे वो किसानों को परिहार नहीं दिए ये डबल क्या करेंगे बोल के हमारा प्रश्न है। तो जो परिहार नहीं दिए वो फैमिली को तुरंत क्रमा करके उनको परिहार देना बोल के आग्रह कर रहे हैं। और दूसरी जो है ना कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में 15 केरी जो तालाब जो है तालाब के अंदर वो मट्टी निकालने का काम करे। वो मट्टी बहुत क्वालिटी रहता सर मगर वो मट्टी निकालने के लिए टेंडर तो करना नहीं तो सरकार को हर रॉयल्टी भरना हर क्यूरी को इतना बोल के मार 1 रुपये भरे बगैर 15 केरी को लूट मार करे केरी के मट्टी निकाले वो जो तालाब के मट्टी निकाले उनके खिलाफ DC मैडम सख्त कानून क्रमा इंक्वायरी करना बोल के हमारा आग्रह है। पहले मैडम क्या करे 1 महीने के बाद हम मीडिया में आने के बाद हम सरकार को गमन में लाने के बाद जो है ना उन्होंने एक लेटर लिखे कि फाइन डालो बोल के जब रॉयल्टी लियो बोल के मगर पीछे जो 1.5 महीने रॉयल्टी बगैर रॉयल्टी के जो मट्टी मारे से उनके बारे में मैडम कुछ भी नहीं बोले। तो उसके वास्ते हम क्या कर रहे पहला मैडम जो माफिया के फेवर में बात कर रहे वो बंद करो। जो मट्टी निकाले से तालाब से उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करना बोल के हम आगरा के 2 इशू बैठ के यहाँ पे धरना कर रहे सर। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open, contact for details.